हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। इसमें आप जानेंगे कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं और ये 5 तरह के सेंटेंसेस हमें अपनी बात को अलग अलग तरह से कहने में हेल्प करते हैं। सपोज़ अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो अलग तरह का सेंटेंस यूज़ होगा, अगर कोई बात कहना है तो अलग तरह से हम सेंटेंस बोलेंगे, और कोई हैरानी व्यक्त करना है, सरप्राइज़ हमें एक्सप्रेस करना है तो हम अलग तरह से सेंटेंस बोलेंगे, और कोई प्रार्थना करना है, दुआ करना है तो हम अलग तरह से सेंटेंस बोलते हैं। तो हम अलग अलग तरह की बातों को कहने के लिए या कुछ पूछने के लिए या कुछ बताने के लिए हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज़ असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इज़ इम्परेटिव, थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज़ exclamatory and the last one, the fifth one is optative sentence. अब इन sentences के kinds को हम separately one by one पढ़ेंगे। First आपका दिया हुआ है assertive sentence. So what is assertive sentence? Assertive sentence क्या होता है बच्चों? Assertive sentence में हम किसी बात को कहते हैं या किसी घटना के बारे में बताते हैं या किसी फैक्ट को बोलते हैं। फैक्ट का मतलब तथ्य हम बता रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, दीज आर 2 चिल्ड्रेन एंड दे आर प्लेइंग। 2 बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पिक्चर में और वो खेल रहे हैं। तो इनकी इस एक्टिविटी को बताने के लिए जो आप सेंटेंस बोलेंगे वो असर्टिव सेंटेंस होगा। तो हमने बोला यहाँ पर द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर किसी घटना को बता रहे हैं, इनके द्वारा किए जाने वाले एक्शन को बता रहे हैं। सो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। ओके बेटा, एंड द नेक्स्ट वन इज ही इज गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो उसकी इस बात को हम बताएंगे तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस असर्ट समथिंग सिंपली से और स्टेट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। तो असर्टिव सेंटेंस हम उन वाक्यों को कहते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें हम सिंपली कोई बात कहते हैं या किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में। इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और ये सभी सेंटेंसेस स्टेटमेंट होते हैं, मतलब कथन होते हैं। इसको हिंदी में कथन कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस एक स्टेटमेंट होते हैं। अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है, कोई कमांड नहीं हो रहा है वहाँ पर। असर्टिव सेंटेंस को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि असर्टिव सेंटेंस के 2 क्लॉज होते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम जब किसी बात को अफर्म करते हुए कहते हैं, किसी बात को हम अफर्मेशन देते हुए कहते हैं, तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी बात को यस करके बोलते हैं कि हाँ ये फैक्ट है। तो इसमें हम किसी भी घटना को एक्सेप्ट करते हुए बोलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है द बॉय वॉक होम, बच्चा घर को गया। तो
तो यहाँ पर हमने बच्चे की एक्टिविटी को अफर्मेशन देते हुए बोला, मतलब बच्चे ने ये काम परफॉर्म किया। बट वहीं पर अगर बच्चा वो काम परफॉर्म नहीं करता, अगर बच्चा घर को नहीं जाता, तो इस नहीं वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह से बोलते द बॉय डिड नॉट वॉक होम, तो डिड नॉट नॉट ऐड होने से ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता, बट यहाँ पर अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हमने किसी भी इंसिडेंट को यस में कहा है, मतलब वो घटना हुई है। दीपाली इज वेरी गुड इन पेंटिंग, दीपाली पेंटिंग में बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि दीपाली इज नॉट वेरी गुड इन पेंटिंग, दीपाली पेंटिंग में अच्छी नहीं है, तब ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नंबर 3, दे कुड नॉट अटेंड द इवेंट, वे लोग इवेंट अटेंड नहीं कर सके, तो यहाँ पर नहीं का सेंस आ रहा है, यहाँ पर हमने किसी फैक्ट को डिनाई कर दिया, हमने किसी इंसिडेंट को डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। सो दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग द नेगेशन, सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इज शी डज नॉट नो हाउ टू मेक कुकीज़, वो नहीं जानती है कि कुकीज़ कैसे बनाया जाता है। सो दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग नेगेशन बिकॉज शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है, तो यहाँ पर नहीं का जो सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो आप अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ गए होंगे। पहला जो हमारा काइंड है सेंटेंस का, वो है असर्टिव। असर्टिव के 2 काइंड्स होते हैं, पहले को हम कहते हैं अफर्मेटिव और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव। हमने सीखा कि असर्टिव को हमने क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में, पहला है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। और ये क्या होते हैं ये आपने समझ लिया होगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस बच्चों, इसमें हम कोई भी बात कहते नहीं हैं, बल्कि हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं। हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को हम कमांड करते हैं, या किसी से हम कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी को सलाह दे रहे होते हैं। ठीक है, सो दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हम किसी को कुछ करने के लिए कमांड देते हैं, या उससे रिक्वेस्ट करते हैं, या उसको सलाह देते हैं। माना कि क्लास में बहुत सा शोर हो रहा है, सपोज देयर इज लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास, और टीचर बोलता है बी क्वाइट, शांत हो जाओ। तो यहाँ पर आपसे टीचर कुछ करने के लिए कह रहा है, वो क्या करने के लिए कह रहा है? शांत होने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर वो आपको कमांड दे रहा है, तो इसलिए ये एक इम्परेटिव सेंटेंस होगा। प्लीज़ स्विच ऑफ द लैम्प, कृपया करके लैम्प को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर भी इम्परेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करके कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। यू शुड फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स मानना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से कोई आपसे कहे हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की मदद करो। तो जितने भी जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, वो सभी हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये सिंपली एक्सप्रेस करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस। द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनका हम यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, सवाल पूछने के लिए करते हैं। अगर हमारे मन में किसी को लेकर कोई, किसी बात को लेकर कोई कन्फ्यूज़न होता है, या कुछ हमें पूछना चाहते हैं, तो हम अपने मुंह से जब कोई बात निकालेंगे तो वो एक क्वेश्चन होगा। सपोज़ यहाँ पर ये बॉय पूछ रहा है, इस गर्ल से पूछ रहा है, हु हैज़ स्टोलन योर पेंसिल, आपकी पेंसिल किसने चुराई है।
तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सबसे इजी है इनको पहचानना, इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। डू यू वांट टू अटेंड द मीटिंग, क्या मीटिंग अटेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है। अब बच्चों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनके भी टू क्लास होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, और सेकंड को हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। पहला हमारा होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। यस नो टाइप क्वेश्चंस बच्चों वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हम किसी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनकी स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस या नो में आता है। सपोज जैसे सेंटेंस नंबर टू लिखा हुआ है, डू यू वांट टू अटेंड द मीटिंग, क्या आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं। अब इसका जो जवाब देगा वो या तो कहेगा यस या फिर कहेगा नो। तो इसलिए इन सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप क्वेश्चंस का नाम भी देते हैं, क्योंकि इनका आंसर यस या नो में ही होता है। और इनकी पहचान ये भी है कि इनके स्टार्टिंग में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको मालूम होगा कि हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब का हेल्प करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इनके एग्जांपल्स होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा और यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। वहीं अगर कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसके स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और जो कि डब्ल्यू एच से बना होता है, तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, इसीलिए उनको हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन ही है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल लिखा है, इसको भी आप पढ़ लेना एक बार। नंबर फोर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जहाँ पर हम अपने मन में उठने वाली किसी इमोशन को या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जब भी कुछ सडन हैपन होता है, अचानक से जब भी कुछ होता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो एकदम से हम लोग हैरान हो जाते हैं। या तो हम दुखी हो जाते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस तरह की जब फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं तो हम जो सेंटेंस अपने मुँह से बोलेंगे तो वो एक एक्सक्लेमेशन होगा, वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे कि आपने कोई टीम, आपकी टीम है और आपकी टीम ने कोई टूर्नामेंट जीत लिया तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो उस समय जो मन में जो सेंटेंस निकलेगा मुँह से वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है हुर्रे वी वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया, तो ये हुर्रे वी वन द मैच, ये हुर्रे एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये एक्सक्लेमेशन शो करता है कि हमने मैच जीत लिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। सपोज आप मॉर्निंग में जागते हैं और आपने बाहर देखा कि बगीचे में एक बहुत सुंदर चिड़िया है, उस चिड़िया को देखकर एकदम से आप अमेज्ड हो गए, हैरान हो गए, और आपके मुंह से एक सेंटेंस निकला व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इज, कितनी सुंदर चिड़िया है। तो ये जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है बच्चों। द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में इच्छा सूचक या कामना सूचक सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी व्यक्ति के लिए कामना करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या फिर हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस जो ऑप्टेटिव होते हैं उनकी स्टार्टिंग में हम मे का यूज़ करते हैं।
बट समटाइम्स मे को हम हिडन भी कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। सो यहाँ लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ विश प्रेयर कर्ज। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई विश करते हैं किसी के लिए, कोई प्रेयर करते हैं, या फिर किसी को हम अभिशाप देते हैं, बद्दुआ देते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, मतलब ईश्वर आपका भला करे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए। मे गॉड ब्लेस अस लिखा है यहाँ पर, मतलब ईश्वर हमारा भला करे, इसका मतलब ये होगा ईश्वर हम सबका भला करे। विश यू अ सक्सेसफुल लाइफ, आपको एक सफलता वाली जीवन प्राप्त हो, आपकी उसकी आपको उसकी शुभकामनाएं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं विश प्रेयर या कर्ज, तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। एक और एग्जांपल आप सुन लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि मे यू ऑल पास इन द एग्ज़ाम, ईश्वर करे आप सब एग्ज़ाम में पास हो जाएं, तो ये भी एक विश है, इसको भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसमें आप इसको पढ़ लें, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो यहाँ तक तो आप मुझे ज़रूर बता दें, मैं आपका कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर करूँगा। फ़िलहाल आप इसको ज़रूर एक बार दोहरा लें ताकि आपको जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर देना।